अनिया के ब्रजवासी लोग इस लीला को दिखलाते हैं, इसको बूढ़ी लीला, बुढ़िया लीला कहते हैं। अभी जो की पगड़ी भी वहां पर रमी हुई है। आजकल जिन गायों को या भैंस को दूध होता है, पहला बच्चा होता है, उसका दूध दही या मक्खन लेकर के वहां पर चढ़ाते हैं। इवन टूडे ऑल द ब्रजवासी इफ देयर बैफलो एंड काउस दे गिव कफ, फर्स्ट मिल्क इज गिवन देयर, बटर ऑल्सो गिवन देयर, देयर इज ए साइन ऑफ हिज टर्बन देयर दैट गोपी bounded him in the tree, and the lachiya stick also there is chin. So we will go there and we will should pray this place that very lila should manifest in our heart. हमारे हृदय में ये लीलाएं सब स्फूर्ति हो, इसीलिए हम इस स्थान में आए हैं, केवल परिक्रमा करने के लिए नहीं, राधा जी का की दासी का भाव हमारे हृदय में हो। फिर should pray श्रीमती राधिका that we should serve her like a maid servant forever. Gaur Premanand. आप लोग उधर से सकरी गली खूब सावधानी से निकलेंगे और वहाँ पर कुछ आठ प्रधान शक्तियां हैं।
लता विशाखा चित्रा चंपक लता तुम विद्या देवी सुधे, उसमें चित्रा सखी का यहाँ पर जन्म हुआ। राम मणिपुर आदि चित्र के द्वारा राधा जी कृष्ण का ऐसा सुंदर चित्र बनाती थी मानो कृष्ण बैठे के और बोल नहीं रहे, इतना सुंदर चित्र बनाती थी। और श्रीमती राधिका को वो चित्र दे दी। कभी कभी श्रीमती राधिका जी प्राण त्यागने की चेष्टा करती थी, किस लिए अभी बतलाएंगे। दिस विलेज इज कॉल्ड लाइक चिक्सौली, द बर्थ प्लेस ऑफ प्रोमिनेंट सखी एसोसिएट्स ऑफ श्रीमती राधिका। He was very qualified in all arts, especially in painting, drawing. If he is used to paint a Krishna drawing, only there was something less that he was not speaking only. Otherwise everything, he used to talk विथ आईज। यहां तक कि सर्पों को वशीभूत करने में और प्रकार के मंत्रणाओं में समस्त पशु पक्षियों की बोली समझने में बड़ी ये चतुर थी। इस प्रकार से ये श्रीमती राधिका जी के साथ में कृष्ण की सेवा करती थी। इसलिए आठ सखियों में से चित्रा सखी का यहाँ पर जन्म हुआ, इसलिए इस स्थान का नाम चिक्सौली है। पास ही में विशाखा जी का जन्म स्थान कमई करेला में हुआ, पासी में ऊंचा गांव में ललिता शेखी का जन्म हुआ। इस तरह से ये सब स्थान बरसाने के आसपास में सब सखियों के स्थान है। अभी वहां पर का लीला आपको सिखाया बतलाया था। अब हम पासी में एक दोहिनी कुंड है, अ वेरी नियर बाय हियर देयर इज दोहिनी कुंड, अबाउट 12 ब्लैक्स ऑफ काउज used to be here. This was khidak of Vishwanatha Maharaj. Unka khidak tha. Khidak mane gayon ko rakhne ka sthan. Batlao not the 11 lakh gayon aakrishit hokar ke controlled hoti thi aur unko control karne wala koi nahi tha. Jahan jis gaye ko bulate wahi gaya aa jata aur apne bachchon ko doodh nahi deti thi जब तक कि कृष्ण ना आ जाए। कोई दूध धुलने के लिए ग्वाला जाता तो गाय दूध नहीं देती, पैरों से ठोकर मार देती, किंतु जब कृष्ण आ जाते कृष्ण को दे करके और उनके स्तन से दूध चुचवाने लगते थे अपने आप प्रेम से। इसलिए कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है मृत्यु है प्रेम की, साधारण लोग इसको समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्ण की आराधना यदि नहीं किया तो यह जन्म बेकार का हुआ। हम लोग इस शरीर को मान लेते हैं कि मैं और मेरा और इस पर सारा जगत चल रहा, किंतु ये शरीर का भी मूल प्राण है और प्राण का भी मूल आत्मा है। आत्मा मैंने मैं क्या चीज है जो इस जगत में आकर के इस आत्मा का रियलाइजेशन नहीं किया। दोस्त हु कैन हु हैज कम इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर नॉट realizing what is soul and what is super soul, that who is the supreme personality of Godhead, that life is in pain. Fie on them, fie on them, fie on them. So, Braj ki gopiyon ko samajhna bahut tedhi kheer hai. So to understand and to realize who were gopis, these are all the moods of Srimati Radhika Ahladini Shakti, only to please Krishna. तो हम लोग विशाखा जी के स्थान चित्रा सखी के स्थान में आए हैं। यहीं पर पासी में दोहनी कुंड, वहां पर गायों का दोहन होता था और वो सबसे खीर इत्यादि बना करके कृष्ण की सेवा के लिए भोग में लाया जाता था। पासी में हम गौर वन में अभी प्रवेश करेंगे। गौर माने क्या? गौर माने होता है गुफा, पहाड़ों में जहां पर गुफाएं होती है। हमारा हृदय ये पहाड़ Yeah.
Oh,
दोनों मिलकर के नित्य किया मयूर के नित्य में देश में सबसे नित्य जितने पक्षी हैं उनमें सबसे नित्य अच्छे कौन करते हैं मयूर करते हैं। कृष्ण की बंसी ध्वनि जहाँ हुई मेघ की घटा उन्होंने देखा और यहीं पर इधर में विलासगढ़ कहीं मानगढ़ कहीं दानगढ़ कहीं श्री जी का कुंज इत्यादि है। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी का तरह तरह से विलास होता था। यहाँ पर नृत्य करते थे और विलासगढ़ में उन्होंने विलास किया था उसकी ये सब बातें हम पीछे बतलाएंगे नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हम ये सब बातें वहाँ पर चल करके अपने पड़ाव पर यहाँ पर हम ठहरे हैं और आए भी नहीं। दिस प्लेस वेयर वी हैव कम इज कॉल्ड हेवर वन। The pond kund which we are seeing here, this is called Gehwar Kund or Krishna Kund. Maharaj is so nicely explaining that apparently it appears like a water, but it's not water. In this kund, essence of Radha and Krishna's prem is present, and we should take it like that. Up on the top hill where we have just gone, that is called Mayur Kutir. Here Radha and Krishna, they dance like peacock. When they saw, peacock dances so nicely. When it hears the melodious voice of Krishna's flute and he sees the black complexion like cloud, Mayur starts dancing. And in the same fashion, Radha and Krishna also dances. And they were having competition with each other, loveful way they were dancing here. Nearby is Vilasgarh, Mangarh and Dangarh. When we will go there, some pastimes will be narrated by Maharaj. Maharaj is saying that elaborately he will tell at our place where we are staying, which is called Padav.
अभी नरोत्तम ठाकुर जी ने point and he spoke that thing in Hindi and some of the inquisitiveness came that what is Maharaj is saying. I would like to explain that what does it mean by Gahwarman. The absolute truth lies in Gahwarman. Maharaj was explaining that according to scripture and Upanishad, the absolute truth lies within the cave of heart in every living entity. And this cave is Gahwarman, dense forest or dense cave, wherein soul and super soul, both they are living together. And we have to find out that soul and super soul absolute truth. So when we are coming to Gahwarman, we are approaching to the absolute truth. And this is what he was explaining very nicely and briefly I have told to you. Bahut premanande. Shirada Govind ka naam lete hi hamare aankhon se sab samay asht ho raha hai. Hriday dravit ho jayega. Abhi hamare purpur janmon ke paapon se apradhon se aisa nahi hoga. Kintu hamara kab aisa din hoga jab Radha Govind ka naam lene se aankhon mein nekro mein asht ho raha hai. रूप सनातन जी हमारे ऊपर में कृपा करें, कब रघुनाथ दास कृपा करें, कब ललिता विशाखा हमारे ऊपर में कृपा करें, कब उनके सखा लोग हैं दाम श्रीदाम मधुमंगल इत्यादि हमारे ऊपर में करें, सुबल सखा हमारे ऊपर में करें, आप लोग सभी मिल करके ऐसी दया करें जो हम जब राधा गोविंद का नाम लें हमारे आंखों में नेत्रों में जल आए, हमारा हृदय उल्लसित हो जाए. ऐसा दिन कब होगा. इसलिए राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम ही हमारा अंतिम प्रयोजन है. इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जिनके चरणों में हमारी प्रीति हो. गौ प्रेमानंदे. हैव यू अंडरस्टूड? नो. जस्ट नाउ कृष्णदास प्रभु संग सैंग Narottam Das Thakur bhajan. Maharaj is telling its purpose, and in its purpose he is saying that Srila Narottam Das Thakur is asking for the mercy from everyone. He says, when the time will come, when I will receive mercy of Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, all the friends of Krishna, all the sakhas, all the sakhis, when they will shower their mercy on me. Why? I want to have their mercy so that the moment I speak Radha Govind, my tears should flood, my eyes should be flooded with tears, my throat should be choked. This is my desire. So he is asking for the kripa, for the mercy. My heart should be infused with the love of Radha and Krishna. This Radha and Krishna place is our purpose, our prayojan, goal of our life. Our all endurance is to cultivate this love. But this love is hidden in the cave of our heart. And how we can find it out, dig it out? Maharaj is saying, the path is shown by our Mahajan. 12 Mahajan has been narrated in Srimad Bhagavatam. They are old Mahajan. Our new Mahajan, like Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Prabhupada, Param Gurudev, our Gurudev, these Mahajans, they are more and more potent than the older Mahajan. So we should pray at their lotus feet that the love of Radha Krishna, which is hidden in our heart, cave of heart, should come out and we should get it precipitated. Coming with us. In the guidance of Panda here, Prasanna Vale Pandey, and he is helping us to show around all other places. I want that you should give something to me so that I can donate it.
यहाँ पर या यहाँ या वहाँ एनी वेयर हियर यू कैन गिव मी और इन इन अवर कैंप यू कैन गिव नॉट हियर बेटर यू शुड गिव दिस देयर इन अवर कैंप एट ड्यूरिंग लंच टू नली टू ब्रजनाथ प्रभु रामचंद्र प्रभु और एनी और ब्रह्मचारी दे शुड गिव ओम प्रभानंद राधे राधे हे राधे राधे जय राधे राधे हे प्रेम से ले लो हे प्यार से ले लो हे सब ले लो हे राधे राधे जय राधे राधे हे राधे राधे हे बरसाने में आल हे बरसाने में हे तान गली पे हे मान गली पे हे गहर मन में हे गहर प्रेम से ले लो हे प्यार से ले लो हे सब ले लो हे राधे राधे जब हम जाएंगे तभी तानगढ़ मिलेगा। ये सभी अपराकृत लीलाएं यहाँ पर हुई थी। कभी कृष्ण यहाँ राधिका जी से मिलन होने के लिए तरह तरह के वेश बना करके भी आया करते थे। हियर इज दी गवर्नमेंट एंड एस्पेशली यू नो दैट द फादर ऑफ श्रीमती राधिका विश्वांग महाराज जी टूडे दिया। विश्वांग महाराज यहीं पर रहते थे। ये राधा जी का पित्रालय है, इसलिए राधा जी यहाँ पर जब आती थी तो कृष्ण का सहजी आना यहाँ पर नहीं होता था। कभी कभी श्रीमती राधिका मान करती थी, ये मानगढ़ है तो मानगढ़ में वो मान करती थी और कृष्ण से बोलती नहीं थी। और कृष्ण बहुत चेष्टा करने पर भी उनको मान को नहीं जब दूर कर सकते तो किसी तरह से विशाखा जी के शरण में जाते। फिर विशाखा जी उनसे मंत्र से कोई मंत्रणा करके बतलाती कि इस रूप में मिल सकते हैं। यू नो दैट दिस इज द हाउस ऑफ पैलेस ऑफ विश्वानु बाबा द फादर ऑफ श्रीमती राधिका। सम टाइम्स श्रीमती राधिका used to do man to Krishna and then he used to promise that I will not meet with black person whose internal is black, external is black, everything is black, so I will not have any compromise with him. Then Krishna used to be very upset. Anyhow, he wanted to beg the mercy of Radhika, but there was not chance to have him. Unko sahi ye sujog nahi milta. So Vishakha, then he used to come to Vishakha. And Vishakha used to tell something in his whisper in his ear. Then Krishna, here two kaseps of Mohini. Mohini, you know, like a daughter of gardener, Malini. And he took a shape of that Malini and took some garlands and flowers. And he came to this place. Radha told, Lalita Vishakha told, oh, यहाँ पर एक ऐसी सखी आई है जो तुमको स्पर्श कर देने से ही तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारी क्लांति दूर हो जाएगी। वो बहुत ही एक्सपर्ट है। श्रीमती राधिका जी ने कहा कि उसे एक्सपर्ट मोहिनी सखी हैज कम हियर She sings so sweet. She master of all arts.
She knows how to make a beautiful sweet garland. If she will touch anyone, his all kinds of tiredness will go away. Srimati Radhika became pleased and told that, bring that Shakhi, marry that Mohini Shakhi. And he was called. जब उन्होंने बुलाकर लाया तभी उसने माला पहनाया तभी उसके हाथ लगने से वो समझ गई जैसे ये पुरुष है कोई स्त्री हो नहीं सकती समझ गए फ्रेंड शी गेव गार्लैंड इन द नेक ऑफ श्रीमती राधिका एंड श्रीमती राधिका टच्ड हिज हैंड ही एट वंस रियलाइज्ड एंड ऑल्सो सम रिस्पेक्ट फ्रॉम कृष्ण व्हाट ही वाज कमिंग सो ही He realized that he is not a Mohini Sakhi, but himself, he has come to me. Then he told Lalita and Vishakha, I am so much pleased to her. मैं इस पर ऊपर में बहुत प्रसन्न हूँ. आज मैं अपना सारा ड्रेस इसको अपने हाथों से पहनाऊंगी. Then Srimati Radhika told to Lalita and Vishakha, I am very much pleased. Oh, she is very expert. I want to make her my Sakhi friend. I am very much pleased. So I want that my whole dress I should give and decorate myself with my own hands. Well, that Mohini Sakhi began to look here and there. Oh, now I will be caught rent descended. अब उन्होंने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो भागने के फिराक पर रहे थे किंतु सखियों ने उन्हें पकड़ लिया और राधा जी जब अपना उनको वस्त्र पहनाने लगी और माला देने लगी तो उस समय में पता चल गया अरे ये तो कृष्ण है ये मोहनी नहीं मोहन है बस सखियां ताली बजा करके हंसने लगी उनकी खिल्ली उड़ाने लगी इस प्रकार से ऐसी ऐसी मैंने संक्षेप में बतलाया ऐसी ऐसी ये बिराटगढ़ में मानगढ़ में इधर उधर बहुत सी लीलाएं हमने संक्षेप में बताया ऐसे ये समझो मत जैसे ये राधा कृष्ण पुरुष और स्त्री हैं ये ऐसी लीलाएं किए किस लिए पीछे से हम लोग सुन करके भी और हमारा इसमें रुचि होगा और उनके भजन में हमारी आग्रह होगा लोभ होगा और डोंट थिंक दैट राधा एंड कृष्ण वेर मेल एंड फीमेल ऑर्डिनरी दे वेर नॉट ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्रीमती राधिका प्रह्लादनी शक्ति They have descended here to make some vilas and lila. That anyone hear this past tense, very sweet and past tense, or they will have a greed to serve Radha and Krishna. That is all past tense Krishna has done, mercifully. So, you should try to have a greed to serve Radha and Krishna. Go Pramanande. नहीं लोट फोट तो ना बने गाड़ी